चलो ये बोलता है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर वन, कह रहा है कि आर एंड टी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है एस जो इन द फॉर्म, ये नहीं होता है इसको कितना मिलेगा। आगे लिखा हुआ आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। इसका मतलब आर ने अपने हिस्से का 1/4 और टी ने अपने हिस्से का 1/5 किसको दिया, एस को दिया। सेम वही बात है, आर ने अपने हिस्से का, आर का जो शेयर है वो 3/5 है। अगर लिखा होता कि आर ने अपने हिस्से से, आर गिव्स 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, अगर अपने हिस्से से देता तो मैं इसको क्या कर देता, माइनस कर देता। बट मैं लिखा हुआ आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4। अगर इसके हिस्से का 1/4 निकालते तो 3/20 आता है। अगर हम टी की बात करें, टी के पास था 2/5, टी ने अपने हिस्से का कहा 1/5। अगर सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 और 5 5 25। ये इन दोनों ने किसको दिया, एस को दिया। अब अगर हम न्यू रेशो निकालने की बात करते हैं, हमेशा की तरह आप कहोगे आप आर हो, आपके पास था 3/5 में से आपने कितना दे दिया, 3/20। अगर आप टी हो, आपके पास था 2/5, आपने कितना दे दिया, 2/25। अगर आप एस हो, आपको देखो दो लोगों से मिला 3/20 + 2/25। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 20 ले सकते हैं, 5 से 4 बार जाएगा, 4 3 = 12 -3, इसका आंसर आता है 9/20। यहाँ पर एलसीएम आपको 25 लेना पड़ेगा, 5 5 जो होता है, 5 2 = 10 -2 8/25। यहाँ पर एलसीएम आपको 100 लेना पड़ेगा, 25 जो होता है, 5 3 = 15 +25 4 = 4 2 = 8 टोटल मार्क आएगा 23/100। अब किसी के नीचे 20 है, किसी के नीचे 25, किसी के नीचे 100, सबको जैसा बनाना है तो सबको मैं बना देता हूँ 100। 5 से बना देते हैं, 5 से ही ऊपर और 5 से ही नीचे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से ही नीचे आंसर आ जाएगा 45, 32 और 23।